हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी आटे और रवा के लड्डू बनाना। रवा को सूजी भी बोला जाता है, तो आटे और सूजी के लड्डू बनाने की रेसिपी बताऊंगी मैं आपको। तो आइए फिर देख लेते हैं कैसे बनते हैं ये सूजी और आटे के लड्डू। आटे और रवे के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है गैस पर गर्म होने के लिए, और इसमें डाल दिया है मैंने 1 कप देसी घी। तो जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 20-25 काजू लिए हैं, तो ये हम काजू डाल देंगे और इसको हम भून लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बादाम है, पिस्ता है, जो आपको पसंद हो वो। और मैंने यहाँ पर 20-25 किशमिश ली हैं, तो किशमिश को भी हम भून लेंगे। आप अगर किशमिश को नहीं भूनना चाहते हैं, नहीं फ्राई करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही किशमिश को डाल सकते हैं। तो किशमिश हमारी फ्राई हो गई है, तो इनको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और मैंने यहाँ पर 1 कप ये गेहूं का आटा लिया है, जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वही गेहूं का आटा है। बस इसको छान लेना है पहले, और छान के इसको ले लेना है, और इसको अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पहले भूनेंगे। इसी तरीके से इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगा और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए लगातार हमें इसको चलाना है। और लो फ्लेम पे इसको पहले हम 5 मिनट भून लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं अब मुझे, मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ले ली है, सूजी या फिर रवा। तो अब मैंने इसको सूजी को आटे में मिक्स कर दिया है। तो अब हम लो फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों को करीब 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये एकदम गोल्डन ब्राउन दिखने लगेगा, तब तक हम इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज हो गया है, मैंने भून लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा बिल्कुल गर्म बचा है। इसको हम हाथों से टच कर ले, बस इतना ठंडा हमें इसको करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पाउडर शुगर ली है, चीनी को मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया था। आप बूरा शक्कर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी को ही मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया था 1 कप। और अब इसको हम मिक्स कर देंगे, इसमें जो आटा और सूजी हमने भून के रखा है इसी को चीनी को इसमें मिक्स कर देंगे। तो मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जो काजू मैंने भूने थे उनको मैंने इस तरीके से कूट के बारीक कर लिया है, और ये किशमिश है तो ये डाल देंगे इसमें, और इनको भी अब हम मिक्स कर देंगे। तो ये सब हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम लड्डू बनाएंगे। हाँ, तो मैं थोड़ा सा लेंगे और गोल गोल करके इस तरीके से आप देख सकते हैं, बस ऐसे ही राउंड शेप में इसको दबाते हुए हम लड्डू तैयार कर लेंगे। इसके लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही अच्छे बनते हैं, एकदम सॉफ्ट बनते हैं, और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इसी तरीके से बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। तो लड्डू हमारे बन चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं देखने में भी और खाने में भी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।